आपने उसके बाद एतराजात उठाना शुरू किए, आपको पता लगा कि माली बेजाबतियां हो रही हैं और कुछ पैसे ट्रेस नहीं हो रहे? जी, देखिए ये 2013 में जब इलेक्शन था तो मैं और कुछ साथी जो हैं वो फंड्स लेके, अपने जाती फंड्स लेके, हमने कहा कि 2013 का जो इलेक्शन है इस बहुत क्रूशल इलेक्शन है पीटीआई के लिए, और हम इमरान खान की इलेक्शन कंपेन चलाने के लिए अमेरिका से सीधा हम पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ पे ग्राउंड पे हमने इलेक्शन कंपेन की, और इन वक्त उनके इलेक्शन कंपेन मैनेजर असद उमर थे, तो उस वक्त ना सिर्फ हमने असद उमर वाला को भी पैसे दिए अपने जाती, जिसे कहते हैं जाती पैसा, जो कि हम पार्टी को की खिदमत करना चाह रहे थे, इलेक्शन कंपेन का वक्त ऐसा होता है। लेकिन जब उस जमाने में इमरान खान जो हैं उनका वो कंटेनर का हादसा भी हुआ था और ये हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम इनसे जाके इनके हॉस्पिटल में मिले इनसे, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है हफीजुल्ला न्याजी साहब से हुई, और मैं चूंकि ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल भी रहा था, मीडिया को कुछ इंटरव्यूज दे रहा था, तो वो मुझे दूर से शायद ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो मेरे पास आने का कि महबूब साहब आप काफी अच्छा बोलते हैं, बड़े पैशनेट हैं और आप अमेरिका से भी आए हुए हैं, तो आप हमें थोड़ा वक्त दें, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, पार्टी के इंटरनल मामलात में कुछ इशू है। तो मैंने कहा जी भी वाई नॉट, बिल्कुल आप एक सीनियर अहदेदार हैं पार्टी के और मैं आपसे बिल्कुल मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने जो मीटिंग सेट की वो अकबर शेर बाबर के घर पे थी, तो अकबर शेर बाबर से मेरी पहली मुलाकात वहां हुई और उन्होंने उनका जो जो इंट्रोडक्शन था वो भी बड़ा, जैसे कहते हैं, भारी इंट्रोडक्शन था कि वो पार्टी के बुनियादी, जिसे कहते हैं ना कि बानी अरकान में से थे। तो उन्होंने हमसे ये बात की कि देखें आप जो ओवरसीज में पैसा जमा होता है और यहाँ पे जब पैसा आता है तो वहां बड़ी बेजाबतियां हैं, और उन्होंने मेरे सामने कुछ ये आज जो ये 4-5 मुलाजमीन हैं इनमें से एक दो मुलाजमीन की जाती बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स मेरे सामने रखी कि भाई इस आदमी की तनख्वाह जो है 15-20 हज़ार रुपए है, लेकिन इसके अकाउंट में ये 2-2-3-3 लाख महीने का जमा हो रहा है। तो ये जो पैसा है ये एम्बेजल होता है, जब ये इनके प्राइवेट अकाउंट्स में आता है, ये पार्टी के अकाउंट से अलग से अकाउंट है इनके प्राइवेट, और ये एक नहीं है मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो ये पैसा फिर यहाँ से साइफन होता है। तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सैफुल्ला न्याजी, उस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, अब भी हैं वो, इस तरह से आमिर कियानी जो पिछले दिनों दवाइयों के उसमें स्कैंडल में पार्टी से निकल अपनी वजारत से हाथ धो बैठे, वो पार्टी के सीनियर अहदेदार अब भी हैं। तो ये जो लोग हैं इन्होंने साइड पे इस पैसे से ये इन्होंने रियल स्टेट के बिजनेसेस खड़े किए हैं, और ये बनी गाले के आसपास ही जमीन खरीदी हुई है, और फिर ये पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन लोगों को ये दी जाती है कि जमीन आप जमीन खरीदें और आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबरशिप दी जाएगी। और उस वक्त उन्होंने असद कैसर कौमी असेंबली थे एक्स स्पीकर, और आरिफ अलवी जो मौजूदा सदर है, इनके नाम भी गिनवाए कि इन लोगों ने भी उस रियल स्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुए, प्लॉट खरीदे हुए, और बाकायदा उन्होंने प्लॉट का वो दिखाया कि किसका प्लॉट कहाँ पे है बनी गाला में।